हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज ये व्लॉग है 10 अगस्त का। आज हम लोगों ने किया था कन्या पूजन। तो मॉर्निंग में फिर उठ के बेडशीट वगैरह सही की मैंने, थोड़ा रूम वूम क्लीन किया अच्छे से। वही रहता है डेली का ही, तो डेली का ही रूटीन रहता है। रूम अच्छे से मैसी हो जाता है ना, तो वही रूम वगैरह साफ किया। फिर हमारी कन्याओं के आने की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर मैं दरी वगैरह बिछाने लग जाती है रूम में, थोड़ा मतलब कन्याओं के आने से पहले। पर आज तो कन्या मिलने में बहुत प्रॉब्लम हुई है। हम कन्याओं को बुलाने गए, वो स्कूल जा चुकी थी। फिर उसकी दादी स्कूल से ही लेके आई थी, मिस्टी की दादी ना, उनको बुला के कन्याओं को सारी। फिर जल्दी जल्दी हमने कन्या वगैरह जिमाई, तब फिर वो लोग स्कूल। आ जाती है मेरी सुंदर सी प्यारी सी बेटी नित्या। फिर मैं इसको टीका लगा रही थी ताकि इसको नज़र ना लगे, ये बहुत प्यारी लग रही थी ना इसलिए। और फिर ये वहाँ पे पूजा करने चली जाती है, जहाँ पे हमने पूजा की थी ना किचन के वहाँ पे, तो वहाँ पे हाथ जोड़ के खड़ी जाती है। और फिर फाइनली हमारी कंजक भी आ जाती हैं, कन्याएं ना, इनको स्कूल से लेके आए हम लोग जाके, क्योंकि यहाँ पे मिलती नहीं है कन्याएं बहुत। और फिर यहाँ पे आ जाती हैं मेरी प्यारी सी बेटियाँ दोनों। उसके बाद फिर मैं किचन में चली जाती हूँ फिर नाश्ते के लिए, रोटी वगैरह बनाने की। कन्या वगैरह तो हमारी हो जाती है कम्प्लीट, पूजा कन्या वगैरह की। उसके बाद मैं रोटी और पराठे वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने वाले होते हैं तो लेट हो जाता है उनका भी, इसलिए फिर जल्दी से नाश्ता वास्ता बना के मैं। तो ये हमारे आज का प्रसाद है हलवा पूरी चने। सो गाइस, ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।